जी सिंथेटिक फैमिली अक्सर स्टूडेंट्स सवाल कर रहे होते हैं पाकिस्तान से या आउट ऑफ फिनलैंड के हमने फिनलैंड स्टडी के लिए आने कोई हमें अच्छा सा कंसल्टेंट रिकमेंड कर दें। सो याद रखिए कि फिनलैंड के अंदर आपको आने के लिए किसी कंसल्टेंट स्टडी के ऊपर किसी कंसल्टेंट किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ओन विदाउट हेल्प ऑफ एनी वन। स्पेसिफिकली अगर आपको किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं तो आपको पैसे देने की किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ फ्री ऑफ चार्ज अगर आपको कोई हेल्प कर रहा है तो यू कैन टेक दैट हेल्प। सो लेट्स गो। आई वुड लाइक टू शो यू अ रिसोर्स। इसका नाम है स्टडी इन्फो। इट्स अ वेरी यूजफुल वेबसाइट। वेबसाइट के होते हुए मुझे समझ नहीं आता लोग क्यों कंसल्टेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, बट क्योंकि अभी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ चीज़ें उनको देख के मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी कंसल्टेंट या एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये देखें, ये इसका फ्रंट पेज है। यहाँ ये फील्ड उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे लिखा भी हुआ सर्च फॉर स्टडी ऑप्शंस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। सो अगर आपको पता है कि आपने किस प्रोग्राम में जाना है, किस चीज़ में एडमिशन लेना है, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर नहीं पता, आपको सिर्फ यूनिवर्सिटी का नाम पता है, तो यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ लिख के आप चेक कर सकते हैं कि उस यूनिवर्सिटी में कौन कौन से कोर्सेज या डिग्रीज ऑफर हो रही हैं और वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो मैं अगर फॉर एग्जांपल मुझे पता है मैंने किस चीज़ में जाना है, मैं अगर कहता हूँ सपोज मैंने नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग में लिख के उसको हिट एंटर या सर्च के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें रिजल्ट्स। अब यहाँ पे आप देखें स्टडी प्रोग्राम्स 12 आ गए हैं हमारे पास। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो 75 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफर कर रहे हैं नर्सिंग में प्रोग्राम्स। अच्छा इसके बाद रिजल्ट्स पर पेज, इसको आप यहाँ पे 28 बाई डिफ़ॉल्ट, इसको आप 50 भी कर सकते हैं कि इस पेज के ऊपर अब आपको 50 रिजल्ट्स नज़र आएंगे। सो आपको अब बार बार आगे पीछे जाने की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि 75 हैं तो 50 तो इसी पेज के ऊपर है। सिर्फ एक दफ़ा आप सेकंड पेज पे जाएंगे जो बाकी 15 बच गए होंगे। फिर इसके बाद अगर ये मोस्ट रेलिवेंट, इसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, ये आप चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस। अच्छा फिनलैंड के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस एक ऑप्शन है, फिर वोकेशनल एजुकेशन ये दूसरा ऑप्शन है, फिर यूनिवर्सिटी है, ये तीन ऑप्शन है। ठीक है, यूजली जनरल अपर सेकेंडरी एजुकेशन ये जो लोग बाहर से आ रहे होते हैं पाकिस्तान इंडिया वगैरह से, उनको इस चीज़ की जरूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, तो मोस्टली स्टूडेंट्स या तो ये ऑप्शन अवेल कर सकते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस या वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या फिर यूनिवर्सिटीज़। सो थोड़ा सा डिफरेंस है यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते हैं कि इनमें क्या फ़र्क है। सो यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेज यूजली ऐसे प्रोग्राम्स ऑफर करती है जिसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपकी हो जाती है, यानी अगर आप किसी ऐसी फील्ड में फॉर एग्जांपल एमबीए आपने किया हुआ है या जैसे अभी ये नर्सिंग है, तो ये प्रोफेशनल चीज़ें हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज हैं या पाथ्स हैं। सो इनको ट्रेन करने के लिए इन लोगों को जो ये पाथ लेना चाह रहे हैं तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस इज़ द गुड गुड और द बेस्ट ऑप्शन। फिर वोकेशनल एजुकेशनल जैसे पाकिस्तान में होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे वहाँ पे ट्रेड्स डिफरेंट होते हैं, कुकिंग की क्लासेस होती हैं, पेंटिंग की, वेल्डिंग की, डेंटिंग की, इस तरह की मतलब डिफरेंट, वो आप यहाँ पे भी फिनलैंड के अंदर भी वो देख सकते हैं ऑप्शंस। उसके अंदर मज़ीद आप मैं अभी आपको बताता हूँ कि कैसे आप कर सकते हैं। फिर यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, उसमें बैचलर्स मास्टर्स बैचलर्स प्लस मास्टर्स प्रोग्राम और डॉक्टरल। सो सपोज मैं अभी इंटरेस्टेड हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस अगर कोई प्रोग्राम ऑफर कर रही है नर्सिंग में बैचलर्स में, तो मैं इसको क्लिक करूँगा यहाँ पे चेक मार्क, तो मेरे पास अब कितने रिजल्ट आ गए हैं, छः छः स्टडी प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं और वो कौन कर रही है, यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस कर रही हैं नर्सिंग में, और 20 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं जो ये ऑफर कर रहे हैं छः प्रोग्राम्स। अच्छा अगर मैं इसको अनमार्क करूं और मास्टर्स के ऊपर क्लिक करूं तो मास्टर्स के दो प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं बाय यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस और दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। कौन कौन से हैं, एक तो ये है मेट्रोपोलिया और दूसरा ये है यूएस कोला में। अगर मैं अब इसको वोकेशनल में देखूं
नर्सिंग के अंदर वोकेशनल इंस्टीट्यूशन अगर कोई कोर्स करवा रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टडी प्रोग्राम है जो कि 53 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो ऑफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ओमनिया है, रिवेरिया है, फिर इसी तरह ये फिनिश के अंदर ये एक प्रोग्राम है, या स्वीडिश में ये भी फिनिश, ये भी फिनिश। सो अगर आपने इंग्लिश में तलाश करना है वोकेशनल में तो यहाँ आप नीचे आए, यहाँ पे आप इंग्लिश सिलेक्ट करें तो जो भी इंग्लिश के प्रोग्राम्स होंगे वो सिर्फ यहाँ पे आ जाएंगे आपके सामने। यहाँ पे आपको दिखाई ये फिनिश दे रहे हैं, बट अगर आप इसको फर्दर लेके जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करते जाएंगे तो आपको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नज़र आएगी कि ये इंग्लिश में भी ऑफर कर सकते हैं ये प्रोग्राम। अच्छा, इसको मैं अगर अनमार्क करूँ और मैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर देखूँ नर्सिंग से रिलेटेड प्रोग्राम्स, मैं डॉक्टर को अनमार्क करूँ, मास्टर्स को भी अनमार्क करूँ, सिर्फ बैचलर्स के मैं देखूँ, तो बैचलर्स में कोई यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं कर रही नर्सिंग में, ठीक है। इसको मैं बैचलर्स प्लस मास्टर्स देखूँ, उसमें भी कोई नहीं है। अगर मैं मास्टर्स के ऊपर क्लिक करूँ तो उसमें दो प्रोग्राम्स हैं और दो ही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो ऑफर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल तुर्कू, ये जो ओबो अकादमी यूनिवर्सिटी है ये ऑफर कर रही है एक प्रोग्राम, और एक यूनिवर्सिटी ऑफ तुर्कू जो है वो ऑफर कर रही है। सो इस तरह आप सर्च कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस डिफरेंट तरीके से। दिस इज़ द वे टू हेल्प यू टू शो यू कि आप किस तरह सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आप करना चाह रहे हैं कोर्स अपना। यहाँ पे इवन आप लोकेशन भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप हेलसिंकी में करना चाह रहे हैं, तांपेरे रीजन में, शो मोर के ऊपर क्लिक करें तो डिफरेंट जो फिनलैंड के रीजन हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे, उनको आप चेक करके। तो यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे इसको तो अगर उस रीजन में वो कोई प्रोग्राम ऑफर हो रहा हुआ तो वो सामने आ जाएगा। फिलहाल इसके लिए नहीं है, ऑल एंड के लिए। फिर इसी तरह अगर आप एक और फिल्टर यहाँ पे है प्रायर एजुकेशन, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपने पहले कुछ किया हुआ है इस फील्ड में नर्सिंग में, फॉर एग्जांपल कोई बेसिक एजुकेशन आपने ली हुई है, वोकेशनल अपर सेकेंडरी एजुकेशन है या बैचलर्स है या कुछ भी है, वो आप सिलेक्ट करके वो भी फिल्टर कर सकते हैं कि अगर आपकी प्रायर क्वालिफिकेशन के ऊपर कौन कौन सी ऑप्शंस आपको अवेलेबल हैं। फिर इसी तरह एप्लीकेशन ऑन गोइंग, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बता देगा कि किन के प्रोग्राम की एप्लीकेशन जो है वो जा रही हैं, क्योंकि मैंने यहाँ सिलेक्ट सिर्फ मास्टर्स किए हुए। इसको मैं अनचेक करके मैं पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस को सिलेक्ट करूँ, यानी बैचलर्स प्लस मास्टर्स, और अगर मैं सिर्फ बैचलर्स को सिलेक्ट करूँ तो इन प्रोग्राम्स इन यूनिवर्सिटीज़ की जो है एप्लीकेशन वो भी ऑन गोइंग है, तो आप इस तरह भी फिल्टर आउट कर सकते हैं। फिर इसी तरह एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सूटेबल फॉर वर्किंग एज पीपल फाइनेंस्ड बाय सर्विस सेंटर फॉर कंटिन्यूस लर्निंग एंड एम्प्लॉयमेंट, यूजुअली ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है, ये उन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है जो यहाँ ऑलरेडी फिनलैंड में काम कर रहे हैं। अच्छा, फिर इसी तरह एप्लीकेशन टाइप के ऊपर आप फिल्टर कर सकते हैं कि जॉइंट एप्लीकेशन में आपने अप्लाई करना है तो आप इसको चेक करेंगे तो जो भी यूनिवर्सिटीज जॉइंट एप्लीकेशन ऑफर कर रही हैं वो सामने आ जाएंगी। इसी तरह सेपरेट एप्लीकेशन और ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर एडमिशन प्रोसीजर्स हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू आपने कुछ कोर्सेज लिए हुए हैं बेसिक, तो फर्दर आप उनको कंटिन्यू करना चाह रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में तो इसको आप क्लिक करेंगे तो जो भी पॉसिबल यूनिवर्सिटीज होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। फिर इसी तरह यहाँ पे फील्ड ऑफ स्टडी, अगर आप फॉर एग्जांपल जनरल प्रोग्राम क्वालिफिकेशन या एजुकेशन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट करेंगे तो जो भी कोर्सेज आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड होंगे वो आ जाएंगे। इसी तरह एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज एंड वेटरनरी, इसको चेक करेंगे तो जो भी कोर्सेज इन फील्ड से रिलेटेड होंगे वो आपके सामने वो यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी। सो देर इज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शन यू कैन चेक, यू कैन यूज़ एंड यू कैन गैदर द इंफॉर्मेशन एंड यू डोंट नीड एनी कंसल्टेंट और एनी वन। अगर आपको एंड्रॉयड चलाना आता है, आपको इंग्लिश पढ़नी आती है, यू आर गुड टू गो। I hope you have learned something new in this tutorial and
आई एम साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस.